माय डियर कैंडिडेट, आज जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये हमारे साथ में आनंद है, जो बेसिकली अभी जो करंट के कैंडिडेट होंगे, जो अभी प्रोफाइल सेशन दे रहे थे संडे को और वीक में, इस बार तो वीक में पूरे लास्ट 10 डेज में कोई डे ऐसा नहीं था जिसमें आपको ट्रेनिंग सेशन नहीं दिया गया हो, कंपनी की जो जरूरत है वो बताया ना गया हो, ट्रेनिंग सेशन नहीं कराया गया हो, और कई सेशन आनंद ने खुद दिए। मैंने एक बात आनंद से भी कई चीज़ें खुद अपने ओर से बताएंगे, ये एयरलाइंस का सपोर्ट, उनको एयरलाइंस का ड्रीम था कि ये एयरलाइंस में जाएं, उन्होंने कई महीनों तक कभी जब नहीं आया वहाँ से प्रोफाइल या वहाँ से कुछ नहीं बना, तो ये बैठे हुए थे बार बार ही उसी सपने की ओर पहुँच जाते थे कि हमें वही करना है, हमें वही करना है। मैंने उनको एडवाइस किया कि जब तक वहाँ का फाइनली कुछ नहीं हो रहा है, अभी एयरलाइंस का नहीं हो रहा है, तो क्या तुम्हारे लिए और इंडस्ट्रीज बेकार हो जाती हैं क्या, और इंडस्ट्रीज़ में ऑप्शंस नहीं होते हैं क्या, और इंडस्ट्री में बैक ऑफिस MIS ये सारी प्रोफाइल्स नहीं होती हैं क्या, आप जॉब तब तक नहीं करेंगे जब तक एक सेक्टर की जॉब वैकेंसी आपको कन्वर्ट नहीं करेगी। मुझे ताजुब लगता था जब इस तरह के रिप्लाई देते थे, बट इन्होंने ऐसे सर मेरी बात को माना, एज ए मेंटर माना, और इन्होंने रेगुलर शुक्लागंज से आना रेगुलर चालू किया। ट्रेनिंग में लोग संडे को किदवाई नगर गोविंद नगर में आने में बार बार लोग बनाते हैं, ये खुद आना चालू हुआ। फिर मैंने उसको एक बात और कही कि अब तुम्हें खुद सेशन देना अगर तुम ज्वाइनिंग देना चाहते हो। मैंने एक बात देखी है कि जिसने सीखा और जिसने सेशन दे दिया उसकी ज्वाइनिंग जरूर अभी तक आई है। स्टार्ट हुआ था प्रोसेस चित्रांग कानपुर प्लास्टिक से, सुमित और सुधांशु सब ये सब जो आते रहे, सब सेशन दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, ज्वाइनिंग्स भी ले रहे हैं, फिर सीख रहे हैं, कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस है ना प्रोफाइल का, डियर कैंडिडेट, इसका जीता जाता उदाहरण ये अभी है। और इस बंदे ने शुक्लागंज से आने में दिक्कत नहीं करी, सीखने में करने में दिक्कत नहीं करी, और कभी भी ना नहीं कहा। मैंने बुलाया जिस दिन बुलाया है कि तुम्हें आज जाना है, तुम्हें आज सेशन देना है, शुक्लागंज से बंदा दौड़ करके आ रहा है, जबकि उसके घर में भी उसको लोग पूछते होंगे यार कहाँ तुम रो रो चल रहे, तो तुम्हारी जो ज्वाइनिंग नहीं हुई है, कुछ हो नहीं रहा, रोज उसको प्रेशर बनाते होंगे। बट कैंडिडेट को कुछ फील हो रहा था कि वो अपने घर की बात को ना सुनते हुए भी फिर भी आगे बढ़ रहा है। ये मैं आप सबको बात कहूँगा क्योंकि घर वाले ना यहाँ आए हैं, ना देखते हैं, ना समझते हैं, लोगों के दिमाग में तो वही कंसल्टेंसी का वो जो दिमाग में घुसा हुआ ना, बस वही घुस गया अच्छी तरीके से, उनको सब जगह गलती दिखाई देता है। तो चश्मे बदलने की जब जरूरत जरूर है। मैं चाहता हूँ आनंद, तो अपनी चीज़ ओरिजिनल बताओ जिससे तुम ओरिजिनल बोल पाओगे, क्या तुम सीख रहे हो, क्या तुम्हें प्रोफाइल में है, कहाँ तुम्हारा हुआ है, क्या तुमने सोच रखा था, कैसे तुम्हें यहाँ पे क्या बेनिफिट मिले हैं, क्योंकि तुमको तो कई लोग अभी चूंकि रजिस्ट्रेशन तुमने कई लिए जानते भी होंगे, उनके मन में आया भी होगा कि अब मेरी भी ज्वाइनिंग हो सकती है, और ये दूसरा इंटरव्यू सेकंड इंटरव्यू तुम्हारा बुलाया गया, इवन तुम्हारा कंप्यूटर से तुम डर रहे थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, तुम कह रहे सर इसमें हमें डर लगता है, और तुम उसी प्रोफाइल में सिलेक्ट आ चुके हो, कितना बड़ा एग्जांपल है, शेयर करो अपनी बातें, लोग मोटिवेट होंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आनंद कुमार गौड़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एयरलाइन का जॉब सोचा था, मैं एयरलाइन में जाऊंगा। मैंने वहाँ पे एयरलाइन में देखा था कि मुझे एयरलाइन में सुपरविजन का जॉब निकला था, मुझे वो अच्छा लगा था। दरअसल मैंने मुझे एक साल हो गए थे मुझे वो अप्लाई किए हुए, पर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक इंटरव्यू हुआ था मेरा वहाँ पे, और फिर दोबारा मैं सेकेंड इंटरव्यू लिया, मैं वेट कर रहा था। एक साल 6 महीने हो गए, फिर एक साल हो गए, और धीरे धीरे मुझे कुछ नहीं मिला। तो VTS प्लस वाले ने मुझे जो है और कॉल किया था, पर पहले मैं इनके पास आया था, इनके पास मैं आया था तो मैंने सोचा कि फीस जमा कर गया था मैं, फिर मैं वेट कर रहा था एयरलाइन के लिए, उससे मैंने एक साल उधर बर्बाद कर दिया। फिर VTS प्लस वाले ने मुझे बोला कि तो टाइम उधर बर्बाद कर रहा हूँ, और इधर टाइम जो है अपना इधर कर लीजिए इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पर जब आया मुझे सुपरवाइज़र का नॉलेज था मुझे, तो मुझे लगा मैं सुपरवाइज़र में जा सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे MIS के बारे में सुना, MIS के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने MIS के बारे में सुना और देखा भी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैंने जब एक दो क्लासेस लिए, जब मैंने यहाँ पे एक दो क्लासेस लिए तो मुझे और अच्छा लगा। तो जैसे मेरा लैपटॉप ख़राब था, उसको जो है मैंने अपना लैपटॉप जो है 2000 रुपये में मैंने इसको बनवाया, तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया उसको जो है। मैंने फिर यहाँ पर सीख कर जाता था घर पर, और फिर मैं प्रैक्टिस करता था। फिर मैंने यहाँ पर 5-6 सेशन लिए होंगे। फिर उसके बाद जो है सर ने मुझे क्लास लेने का सेशन लेने के लिए बोल दिया। फिर मैंने यहाँ पे करीब 15 मैंने सेशन दिए होंगे यहाँ पे। फिर इससे जो मेरा हेडी से कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, और थोड़ी में जो वीकनेस थी वो भी थोड़ी कम हो गई। अभी इस वक्त मेरा जो है भारतीय आग्रो में फाइनल हुआ है, और वहाँ पे MI और जो गूगल सीट पे होता है, गूगल सीट पे काम होता है, तो उसकी जानकारी मुझे कम थी, उसके बारे में मैंने जानकारी ली। जैसे सेम जो है एक्सेल बेस भी होता है, तो मैंने उसके बारे में जानकारी ली, तो मुझे वो भी काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा कि प्रोफाइल जो है अच्छी है, तो
मैं वहाँ चला गया। अभी प्रेजेंट टाइम पे आज मेरी ज्वाइनिंग है 10:30 बजे से, तो वीके सुरेश सर ने बोला था कि यहाँ पर आ जाइए फिर वहाँ ज्वाइनिंग कर लेना। अच्छा हुआ है तुमने ये बोलने में पहले बहुत हिचकिचाहट रखते थे, आज इतना बोल पाए हैं, बोलने में बहुत हिचकिचाहट थी, इवन को भी बोलने बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। मैंने उनको कहा कि कम्युनिकेशन स्किल हैज टू बी इंप्रूव, अगर यही चीज़ अब इंग्लिश से अकोमोडेट हो जाएगी तो यही पैकेज हमारा 30 के ऊपर चला जाएगा। तो आज इनकी वहाँ पर ज्वाइनिंग है, खुशी है मुझे कि इन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग देते थे, सीखा भी, और जिस प्रोफाइल को नहीं पसंद कर रहे थे, जिस प्रोफाइल में इनको पता भी नहीं था उसमें इनकी ज्वाइनिंग हुई, और जो ये चाहते थे उसी की लगभग ज्वाइनिंग है। और जॉब हंट ड्राइव को जरूर देखना है, आप शायद इंटरव्यूज में भी आते रहे हैं, शायद इंटरव्यू कितने दिए होंगे, इंटरव्यू बहुत सारे इंटरव्यू दिए होंगे, 7-8 इंटरव्यूज दिए उन्होंने। अब ये ज्वाइनिंग की कन्वर्ट हुई है, जॉब हंट ड्राइव कल का मिस मत करिएगा, mysurejob.com को जरूर देखिए। और ये एक ऐसे एग्जाम्पल है जो यहाँ पे जिस प्रोफाइल का खुद नहीं पसंद करते थे, पता भी नहीं था, पसंद कुछ और, गए कहीं और, मिल रहा कुछ और, लेकिन लगातार वर्क कर रहे हैं, शुक्लागंज से यहाँ पे आने में हेजिटेट नहीं किया है। अब आपकी खुद की रिस्पांसिबिलिटी है, आपके सामने की एग्जांपल है, आज इनकी ज्वाइनिंग में मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। मैंने इसलिए कहा था कि अब तुम ज्वाइनिंग में कहाँ क्या फंसे हो गए पता नहीं, संडे को आना जरूर है, लेकिन अभी आज कम से कम वीडियो अपलोड करो तो लोग मोटिवेट होंगे, इसलिए मैंने इनको बुलाया था। थैंक यू फॉर टुडे, जॉब हंट ड्राइव mysurejob.com।